हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से और एक नए कमाल और फ्रेश वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों Realme X2 Pro इस डिवाइस को अनबॉक्स। साथ ही आपके साथ मैं शेयर करूंगा मेरा इसका कुछ फर्स्ट इंप्रेशन और आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इस डिवाइस को 19,500 रुपये में खरीदा है। और अगर आप भी इस डिवाइस को इसी प्राइस में लेना चाहते हो तो मैं उसके साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप भी इसको इसी प्राइस रेंज में खरीद सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस डिवाइस को अनबॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से ये आपकी इसकी प्राइस दिखा देता हूँ जहाँ पे मुझे ये पड़ा है 19,599 रुपये में। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। तो मेरे पास यहाँ पे घरेलू ये नाइफ है तो उसी से मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो यार बॉक्स में आपको यहाँ पे सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है डिवाइस। तो चलिए इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। यहाँ पे पीछे किसी तरफ से मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर में ये मंगवाया है जहाँ पे इसका नाम यहाँ पे उन्होंने रखा है लूनार व्हाइट। और अब देखते हैं इसमें और क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों 50 वाट का सुपर वूक चार्जर जो कि इस डिवाइस को काफ़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज कर देता है। और साथ ही में हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है एक USB केबल जो कि है USB 2 to USB C। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देखने को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और व्हाइट कलर में ये डिवाइस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है जैसे कि आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा। ये काफ़ी शाइनी है दोस्तों और काफ़ी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर हमको ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट या फिंगरप्रिंट इसमें हमको नहीं देखने को मिलता, तो ये भी मुझे काफ़ी सही बात लगी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे Realme X2 Pro व्हाइट कलर में जो भी मैंने मंगवाया था 8GB और 128GB स्टोरेज के साथ में। तो अगर आपको इस डिवाइस के बारे में बताऊँ दोस्तों तो इसमें हमको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर जो कि फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। और उसी के साथ अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो इसमें हमको देखने को मिल जाती है 90Hz की सुपर एमोलेड स्क्रीन जो कि काफ़ी ब्राइट है दोस्तों। और इसमें हमको काफ़ी सैचुरेटेड कलर भी देखने को मिल जाते हैं। और जैसे कि आपने बॉक्स में देखा है कि इसमें हमको देखने को मिल जाता है 50 वैट का चार्जर, तो इसमें उसी के साथ देखने को मिल जाते हैं दोस्तों 4000mAh की बैटरी। तो मैं इसको कम भी नहीं बोल सकता और ज़्यादा भी नहीं बोल सकता, लेकिन ये इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही बैटरी कैपेसिटी है क्योंकि ये 32,000 रुपीज़ का वैसे डिवाइस है। और अगर इस रेंज के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी हमको नहीं देखने को मिलती क्योंकि इनको डिवाइस की साइज़ भी काफ़ी स्लिम रखनी पड़ती है। तो मिड रेंज के हिसाब से इसकी बैटरी कैपेसिटी मुझे काफ़ी सही लगी। लेकिन जो 50 वाट का चार्जर दोस्तों, ये चार्जर इस डिवाइस को काफ़ी क्रेजी तरीके से सिर्फ 25 से लेकर 30 मिनट में ही चार्ज कर देता है। क्योंकि इसकी जो 4000mAh की बैटरी, इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है जो कि ये बन जाती है 2000mAh की दो बैटरीज और ये 50 वाट का चार्जर दोनों बैटरीज को चार्ज करता है। इसकी वजह से इसकी बैटरी काफ़ी तेज़ी से चार्ज हो जाती है। और वही अगर बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के कैमरास की, तो इसमें हमको देखने को मिल जाता है 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप जो कि आता है सैमसंग के GW1 सेंसर के साथ में। लेकिन ये जो स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है उसकी वजह से इसकी इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी सही निकल के आती है। और फ्रंट में इसमें देखने को मिल जाता है दोस्तों 16MP का कैमरा जो कि काफ़ी एवरेज सही मैं इस प्राइस के हिसाब से बोल सकता हूँ क्योंकि इसके इमेज मुझे इतनी भी अच्छी नहीं लगी और इतने भी बुरे भी नहीं इसके बोल सकते, तो एवरेज इसका फ्रंट कैमरा में बोल सकता हूँ। लेकिन इसका बैक कैमरा या रियर कैमरा काफ़ी सही परफॉर्मेंस इस प्राइस के हिसाब से प्रोवाइड कर देता है। और उसके साथ जब मैंने इस डिवाइस को स्टार्ट किया था तो इसमें कलर OS का सपोर्ट था, लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मुझे एक अपडेट आ गया जो कि था Realme OS और Realme UI हम इसको बोल सकते हैं। तो Realme UI डालने के बाद मुझे इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही देखने को मिला है। जबकि अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मैंने अब तक MI UI या MI UI ही यूज़ किया है, तो उसके मुकाबले मुझे इसका Realme UI भी काफ़ी सही लगा है। कोई भी दिक्कत नहीं आई, यहाँ तक कि हम बोल सकते हैं कि ये लगभग सेम टू सेम ही है। सिर्फ इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा बहुत चेंज बोल सकते हैं, लेकिन जो फीचर हमको देखने को मिल जाते हैं MIUI में, वही सभी फीचर Realme UI में भी देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही ही देखने को मिला है क्योंकि मैंने काफ़ी इसके रिव्यू देखे थे ऑलरेडी, जबकि इसमें बताया था कि इसका सिर्फ एक ही रीज़न है इस डिवाइस को ना लेने का जो कि Realme UI या ColorOS में पहले देखने को मिलता था। तो ColorOS तो बोल सकता हूँ दोस्तों कि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन Realme UI में मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए।
और अगर बात करूँ दोस्तों इसके अदर फीचर्स के बारे में, जैसे कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, तो ये कोई बात नहीं है क्योंकि सुपर एमोलेड स्क्रीन है तो ज़्यादातर हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी तेज़ी से काम भी कर लेता है। और उसी के साथ इसका और एक अच्छा पॉइंट है कि इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट, तो उसकी वजह से इसका स्क्रोलिंग इफेक्ट है वो काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाता है। और अगर बात करूँ दोस्तों इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो इसमें दोनों तरफ से हमको गोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो बीच में हमको एल्युमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाती है उसकी वजह से ये काफ़ी सॉलिड फील होता है, या ये सच में ऐसा लगता है कि हमने कोई प्रीमियम या फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस अपने हाथ में लिया है। तो अब बात आती है दोस्तों कि मैंने इस डिवाइस को कैसे 19,500 रुपये में ही ख़रीदा है, और आप भी अगर इसको ख़रीदना चाहते हो तो कैसे ख़रीद सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर जब ये मैंने डिवाइस लिया तो जनरली इसकी प्राइस रहती है दोस्तों 32,000 रुपीज़, यानी कि 31,999 रुपीज़। लेकिन जब मैंने इस डिवाइस को लिया था तो इसमें 3,000 रुपीज़ का डिस्काउंट था। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इस डिवाइस को ख़रीदा है। लेकिन उसी के साथ अगर आप इसके कोई भी डिवाइस को एक्सचेंज करते हो, यानी अगर अपना पुराना मोबाइल इसके साथ आप एक्सचेंज करवाते हो, तो आपको इस डिवाइस के ऊपर 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ देखने को मिल जाता है। तो उसकी वजह से इसकी इफेक्टिव प्राइस लगभग 20,000 के अराउंड ही आपको देखने को मिल जाती है। तो मैंने इस डिवाइस के साथ एक्सचेंज किया दोस्तों, मेरा एक Redmi Note 5 Pro डिवाइस जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा डिवाइस था, तो उसको मैंने इसके साथ एक्सचेंज किया है। लेकिन आपको अगर मैं बताऊँ तो उसकी जनरल प्राइस रहती है दोस्तों 5,000 या 5,500 रुपीज़, लेकिन इस डिवाइस के साथ में मुझे इसके ऊपर एक्स्ट्रा 4,000 रुपीज़ का ऑफ देखने को मिल गया। तो उसी की वजह से Redmi Note 5 Pro की मुझे एक्सचेंज वैल्यू देखने को मिल गई 9,500 रुपीज़। तो ये मुझे काफ़ी क्रेजी देखने को मिला। तो 32,000 रुपीज़ का जो डिवाइस था वो ऑलरेडी 29,000 रुपीज़ का हो गया था, और उसी के ऊपर मुझे 9,500 रुपीज़ का और डिस्काउंट देखने को मिल गया। उसकी वजह से मुझे ये डिवाइस सिर्फ 19,500 रुपीज़ में ही देखने को मिल गया। और अगर आप भी अपने पास कोई भी डिवाइस इसके साथ एक्सचेंज करवाते हो तो आपको भी 4,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन ये है दोस्तों कि आपके डिवाइस में कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए जो भी आप एक्सचेंज करना चाहते हो, और उसी के साथ वो डिवाइस ऑन होना चाहिए। लेकिन उस डिवाइस में अगर आपके पास कोई इंटरनल डैमेज है या कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो वो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप काफ़ी आसानी से उसको एक्सचेंज करवा सकते हो फ्लिपकार्ट के साथ। तो ये मुझे काफ़ी क्रेजी लगा, और जो भी मैंने डिवाइस एक्सचेंज किया है तो उसमें थोड़े बहुत इंटरनल प्रॉब्लम थे ही, लेकिन वो एक्सटर्नली कोई भी डैमेज नहीं था। तो उसकी वजह से मुझे प्राइस उसकी 9,500 देखने को मिल गई। तो अगर आप भी कोई 20,000 के अराउंड डिवाइस लेने की सोच रहे हो दोस्तों, और अगर आप इस डिवाइस को अगर एक्सचेंज के साथ लेते हो तो काफ़ी क्रेजी डील आपको हो सकती है, क्योंकि अगर आप 20,000 के अराउंड कोई भी डिवाइस देखते हो अभी के मार्केट में, तो जो कि है Realme 7 Pro या Redmi K20 और अभी Samsung का M21 भी देखने को मिल जाता है, या OnePlus Nord भी बोल सकते हो दोस्तों, तो ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ कहीं भी कॉम्पीट नहीं करते। तो अगर आप ये डिवाइस लेने की सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको 20,000 के अराउंड कोई भी अपने घर का एक्सचेंज डिवाइस आप करते हो तो कम से कम आपको 2,000-3,000 का डिस्काउंट तो देखने को मिल ही जाता है, और उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 4,000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी देखने को इसमें देखने को मिल जाएगा। तो उसकी वजह से आपको ये लगभग 20,000 से लेकर 25,000 रुपीज़ में तो आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये डिवाइस, ये डील और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए